नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज़। दोस्तों इस समय करनाल के आप देख सकते हैं सदर बाजार के गांधी चौक पर हम तस्वीरें आप देख सकते हैं और यहां पर जो विधानसभा जो कि उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में जो प्रत्याशी आप देख सकते हैं कांग्रेस के त्रिलोचन सिंह, उनका स्वागत के लिए लोग यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं खड़े मौके पर और देख सकते हैं लोग उनको स्वागत जो है यहाँ पर करते हुए और फूलमाला पहनाकर उनसे मिलते हुए। और तो आप देख पा रहे हैं कि मौके पर जो त्रिलोचन सिंह हैं पहुंचे हैं और साथ साथ उनका स्वागत लोग यहां पर कर रहे हैं। ये सदर बाजार का इलाका है, यहां पर लोग जो है वो लगातार, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 25 मई को विधानसभा उपचुनाव जो है वो हो रहे हैं और ऐसे में आप देख सकते हैं जो त्रिलोचन सिंह हैं उनको जो है यहाँ पर लोग उनसे मिलते हुए। और मैं पहली बार गया, मेरी गल सुनो, तो मैं चल के आए हो आशीर्वाद देने वास्ते, मैं पहली बार गया कि हुन कोई डर नहीं, समझो गुरु नानक साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ तो सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, आज पहुंचे हैं गांधी चौक पहुंचे हैं, लोगों ने स्वागत किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी फिलहाल? ये लोगों का प्यार है जो हमारे को लगातार मिल रहा है, लोगों का प्यार लगातार मिल रहा है और करनाल के लोग खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना तो त्रोसे लड़ रहा है ना कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, करनाल के लोग लड़ रहे हैं। करनाल के लोग वो दिन भूले नहीं, कोरोना के दौरान जब मनोहर लाल जी खट्टर MLA करनाल चीफ मिनिस्टर है ना, 3 महीने तक करनाल में नहीं आए, कोरोना के दौरान व्यापार बंद रहा, कारोबार बंद रहा, ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों लोग मर गए, लाशें तैरती रही नहरों में तैरती रही, लेकिन कहीं कहीं नजर नहीं आया मनोहर लाल जी। तो ऐसे MLA का ऐसे बताया का क्या करना, और आप भेज दिया नायब सिंह सैनी को जिनका कोई करनाल से मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं, हमारा कल्चर नहीं मिलता, हमारी सोसाइटी नहीं मिलती, हमारा भाईचारा नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता उनके साथ, तो उनको करनाल भेजने का क्या मतलब था। इस वजह से करनाल के लोग बड़े ठगे हुआ महसूस कर रहे हैं, ये कोई दुकान नहीं है, उनको आगे सबलेट कर दिया, मनोहर लाल खट्टर जी आप हटे तो उनको बढ़ा दिया, वो कौन होते मनोहर लाल जी खट्टर, वो खुद बाहर से आके लड़े थे, अब इनको बाहर से लाए, करनाल में कार्यकर्ता नहीं है क्या? बीजेपी अगर लड़ते करनाल से लड़ाते तो अच्छी बात होती है, करनाल में कार्यकर्ता नहीं है क्या उनके पास? उनके पास नहीं थे तो क्यों लड़ाया उनको? इसलिए हमारे साथ ठगी हुई है, हमारे साथ धोखा हुआ है, पिछले 9.5 साल कोई विकास कार्य नहीं हुए, CM सिटी के नाम पर क्राइम सिटी बना, स्मार्ट सिटी के नाम पर भ्रष्टाचार का हब बना, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज दलालों के चुंगल में है, कानून व्यवस्था बिल्कुल पंगु हो चुकी है, सड़कों का बुरा हाल है, 850 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी का लगा तो लगा कहाँ? मैं ये सवाल आपके माध्यम से मनोहर खट्टर से और नायब सिंह सैनी से करता हूँ। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी, कैसा जो है माहौल लग रहा है और लोगों की तरफ से कैसी प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में फिलहाल आप जो है नायब सिंह सैनी के टक्कर में जो है इस समय खड़े हैं, और क्या कुछ लग रहा है कि आने वाले में कैसा रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है? लोगों को बहुत बढ़िया प्यार मिल रहा है, मैंने आपको पहले कहा ना त्रोसे इलेक्शन लड़ रहा है ना कांग्रेस लड़ रही है, लोग लड़ रहे हैं, लोग इलेक्शन खुद ब खुद लड़ रहे हैं, सिर्फ उनको एक हाथ का निशान नज़र आ रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा, भी हाथ का निशान में मोर लगानी है, मनोहर लाल खट्टर नायब सिंह सैनी को मिशन मिशन चलता करना है, दवानशी बुद्धि राजा और मैं बाहू भारी बहु में ऐसे लोगों को प्यार मिल चुका है, सिर्फ अभी दिन बाकी हैं, अगर आज इलेक्शन होता हम जीते पड़े हैं, अभी 7 दिनों बाद और इजाफा होता जा रहा है। और अभी फिलहाल देख सकते हैं त्रिलोचन सिंह मौके पर हैं, साथ साथ बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, अभी फिलहाल चुनाव नज़दीक हैं और अभी फिलहाल किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ लग रहा है अभी लोगों के बीच, और कौन कौन से इलाके फिलहाल रह चुके हैं जहां पर अभी जो है जिस तरीके से देखिए, जहाँ तक तैयारियों की बात है, हमने तो ये जो करनाल के लोगों ने, पंडित के लोगों ने जो हमें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है, अब उन्होंने बोला है कि ये लड़ाई जो है अब ये दिव्यांशु बुद्धि राजा और जो है मनोहर लाल खट्टर जी या सरदार त्रिलोचन सिंह जी वर्सेस जो है नायब सिंह सैनी जी की नहीं रही है, उन्होंने ये बोला है कि अब ये लड़ाई हम करनाल के लोगों की और जो है मनोहर लाल खट्टर जी की और नायब सिंह सैनी के खिलाफ भी करनाल के लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए आगे आ चुके हैं और कह रहे हैं हमारे साथ जो फरेब हुआ है, धोखा हुआ है,
इसका जो उनका गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी की तरह फटकर बाहर आ रहा है। उन्होंने ये ठान लिया है कि बदलाव की जो आंधी चली है, तो पूरे हरियाणा में जो लोकसभा की दस जो सीटें वो जिता के भेज रहे हैं, और करनाल के विधानसभा के इलेक्शन में जो सरदार त्रिलोचन सिंह जी को चुनकर भेज रहे हैं, इस जीत का सहरा करनाल के लोगों के सिर पर बंधने जा रहा है। मैं उनको अग्रिम बधाई देता हूं करनाल के लोगों को कि जिन्होंने हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाया और इतना प्यार, समर्थन और आशीर्वाद दे रहे हैं। 400 पार का दावा भी जो है बीजेपी की ओर से अभी तक किया जा रहा है लगातार, और जिस तरीके से कांग्रेस है उसमें काफ़ी सारे जो लोग हैं वो लगातार जो है वो भाजपा के भी जुड़ रहे हैं। पानीपत में भी जिस तरीके से पूर्व MLA थी वो भी जुड़ी हैं वो काफ़ी, लेकिन फिर भी भाजपा की ओर से लगातार 400 पार का, और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की 40 सीटें भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर दावों की बात है तो 800 सीटों का भी कर सकते हैं। जब प्रधानमंत्री 125 करोड़ मतदाता बता सकते हैं हमारे देश में है, तो वो 400-800 जो है तो सबको मालूम है कि जुमलों की सरकार है, तो जुमले हैं चुनावी वादे, उन्होंने खुद बोला है कि जुमले छोड़े जाते हैं। तो ये 4 जून को आपके सामने होगा कि कौन दूध का दूध और पानी का पानी, जनता अपना बदला लेने जा रही है। बिल्कुल, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं, ये सदर बाज़ार का इलाका है, यहाँ पर लोग फिलहाल इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर स्वागत करते हुए यहाँ पर जी क्या कुछ? मैं जी प्रकाश वीर गांधी चौक व्यापार मंडल का प्रधान जी, एक ही कहना चाहता हूँ सभी को जी, सबको देखा बारी बारी, अब देखो त्रिलोचन की यारी, जो राजनीति में निडर है वही हमारा लीडर है। भाई त्रिलोचन सिंह ने बहुत संघर्ष करा, जेल काटी है, सारा कुछ करा, कोरोना काल में कोई घर से बाहर नहीं निकला लीडर हमारा कांग्रेस का जी। इस भाई ने हमारे को साथ ले जाके इतना साथ दिया हमारा कोरोना काल में, सभी के जगह जगह जा जाके हमें फोन करते थे, सीधा डायरेक्ट फोन करते थे कि भाई वहाँ आ जाओ, हम सब लोग ही जाते थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता जाते थे और कोरोना काल में भी साथ चलते थे। हम त्रिलोचन भाई को ये सीट जिता के छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए सर, चाहे हमारे को जो मर्जी कुर्बानी देनी पड़े जी। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से अभी फिलहाल यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस की एक तरीके से जो है कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर यहाँ पर ज़रूर अभी होने वाली है, लेकिन क्या कुछ नतीजे निकलेंगे आपको क्या लगता है? मेरा नाम जोगिंदर सानी है, मैं आम आदमी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेजिडेंट। आपको ये बताना चाहता हूँ कि आने वाली 25 मई को 25 मई जाएगी और बीजेपी भी साथ जाएगी। एक तानाशाह सरकार है, जो तानाशाह सरकार ने ऐसा रवैया अपना रखा है कि उसके तानाशाह जब जाएंगे तो इनका देश से जाना पड़ेगा। और एक और बताना चाहता हूँ, 5 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आने बनने जा रही है, आप इनको पता लग जाएगा। इनके बाद जो कह रहे 400 पार का नारा, हमें कौन सी स्टेट में डराए, इनकी कोई सीटें आ रही हैं ना, हरियाणा में आ रही है ना, पंजाब में आ रही है, यूपी में आ रही है, पटना में, बिहार में आ रही है, महाराष्ट्र में आ रही है, झारखंड में, किसी में कोई इनको सीटें नहीं मिल रही। ये कैसे 400 पार के गठबंधन के ये जब जुमला कर रहे हैं, ये 400 पार कुछ भी नहीं आती, इनकी आएंगी 100-150 सीट आनी है मुश्किल से, ये नहीं आएगी सरकार, नहीं आएगी, दुनिया ने ये सोच लिया है। और एक और बताना चाहता हूँ, 4 दिन पहले पंचकूले में ना एम्प्लाइज की मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने बता दिया था कि जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं लागू करेंगे और बीजेपी का वोट कोई एम्प्लाई और पेंशन नहीं देगा। हमें विश्वास है गठबंधन के ऊपर है, इंडिया गठबंधन का विश्वास है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल जी है, केजरीवाल जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर सारा मौसम और सारा नक्शा ही बदल देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग भी यहाँ पर हैं, अभी फिलहाल देख सकते हैं यहीं पर जो त्रिलोचन सिंह हैं उन्हें फिलहाल यहाँ पर लोग जो है देख सकते हैं, उन्हें यहाँ पर उनसे मिलते हुए और देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल जो त्रिलोचन सिंह हैं वो तस्वीरों में बैठे हैं और लोग यहाँ से मिल रहे हैं। गांधी चौक करनाल की तस्वीरें हैं, और बता दें तो लगातार कांग्रेस की ओर से भी जो कैंपेनिंग है वो लगातार चल रही है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल इतना ज़रूर है कि 25 मई को हम लोगों से भी अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है मतदान ज़रूर करें, चाहे किसी को भी दें लेकिन मतदान ज़रूर करें। और अभी कहीं ना कहीं जो है ये भी हम ज़रूर दोस्त लोचन सिंह हैं उनसे बातचीत हम ज़रूर करना चाहेंगे, सर लोगों से अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें, चाहे किसी को भी मतदान करें लेकिन मतदान ज़रूर करें। देखिए हमारे को संवैधानिक अधिकार मिला है कि अपने वोट के माध्यम से अपना मनपसंद देश के हितकारी का चुना जाए, इसलिए वोट का इस्तेमाल होना चाहिए, 100% होना चाहिए। वोट चाहे जिसको मर्जी दें लेकिन वोट डालनी जरूर डालना चाहिए, वरना ये देश जो सा है, संविधान जो सा है, खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि जब हम अपना मनपसंद नहीं चुन सकेंगे तो फिर राजा पड़ेगा।
राजा बने, वो अपनी मर्जी से काम करेगा। सर मुख्य क्या क्या ऐसी चीजें होंगी, कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी की बात आप हमेशा करते हैं, कोरोना काल की भी आप हमेशा बात जरूर करते हैं, तो क्या कुछ आपने आगे को लेकर जो है आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर इसके बारे में सोचा है, क्या कुछ लग रहा है किस तरीके से आने वाली तस्वीर आप बदलना चाहते हैं करनाल शहर की, क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ आपने सोचा है, क्या कुछ बताना चाहेंगे जनता से, क्या कहना चाहेंगे? देखो करनाल के लोग बड़े खुशहाल लोग थे, कुछ टाइम इस करनाल में अंदर खुशबू होती थी बहुत बढ़िया, और लोगों का भाईचारा था। पिछले 10 साल से इन्होंने भाईचारा भी तोड़ने की कोशिश की और करनाल के हर व्यवस्था को इन्होंने तहस नहस करने की कोशिश की। इस वजह से हम जब हमारे को मौका मिलता है, सरकार बनती है, हम स्मार्ट सिटी जो कागजों में है वो एक्चुअल स्मार्ट सिटी में आएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, जो पंगु व्यवस्था हो चुकी है उन्हें दुरुस्त करेंगे, शिक्षा सुरक्षा स्वस्थ सेवाएं सर जो लोग वंचित हैं उनको सुविधाएं देंगे। जी जी जी। और यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि स्मार्ट सिटी जो करनाल है जिसे स्मार्ट सिटी का नाम जो है दिया गया है, शुरू से उसे दर्जा दिया गया है और उसको फिलहाल यहाँ पर जरूर दुरुस्त करने की बात जरूर कही गई है और लगातार आप देख सकते हैं कि कोरोना के समय की बात जो है जरूर जो त्रिलोचन सिंह हमेशा करते हैं, क्योंकि उस समय में काफ़ी ज़्यादा असुविधा लोगों को हुई थी और कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन अभी फिलहाल इतना ज़रूर है कि लोग जो है वो लगातार इस बात की उम्मीद ज़रूर लगा रहे हैं और कांग्रेस जो है उनसे अगर उनसे मिलते हैं, जैसा कि वकील भी मिले थे और उन्होंने भी अपनी मांग पत्र रखा था और उसमें उन्होंने कहा था कि एक जैसा कि लोकसभा प्रत्याशी हैं बुद्धि राजा, उनसे भी बातचीत कल हुई थी और साथ में त्रिलोचन सिंह भी मौके पर पहुंचे थे, तो यहां पर वकीलों ने भी अपना ज़रूर सपोर्ट यहां पर दिखाया है कांग्रेस को। और लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर है कि मतदान करना जो है वो है जनता के हाथ में और जनता क्या कुछ सोचती है ये आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं रुझान जो है वो ज़रूर हर चीज़ दर्शाते हैं, लेकिन रुझान कैसे हैं ये जनता कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे। तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के गांधी नगर इलाके की और अभी फिलहाल क्या कुछ इसके नतीजे आएंगे ये तो बाद में ही पता चल पाएगा। आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और फिर से जुड़ेंगे आईबीएन 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय।